एंड आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। हर एक मुस्लिम व्यक्ति का दिल करता होगा, हर एक मुस्लिम इंसान का दिल करता होगा कि हम जो अपनी इफ्तारी है वो मदीना जाके करें। लेकिन पर यार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब नहीं जा सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे जो होते होंगे नहीं जा पाते होंगे। हाँ। आप सभी को पता है, वो चाहे फाइनेंशियली वैसे हो या जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, ये कुछ होता होगा ना, हर एक का दिल करता होगा भाई हम मदीना जाके इफ्तारी करें। यार एंड जो वही वहाँ के लोग हैं आसपास के, वो तो चले जाते होंगे भाई उनको तो डेली ठीक शाम को है। ना, हाँ। या कई लोग होते होंगे जो टूर पे गए होते होंगे कि नहीं, हर साल जो जाते ही होंगे वहाँ पे। बट कईयों की किस्मत में है, कईयों की नहीं है, बट चलो भाई ये भी ऊपर वाले की एक वो है। तो फिलहाल आज हम व्लॉग देखने लगे हैं अब्दुल मलिक फरीद भाई का, कि ये मदीना जाते हैं। आप सभी को पता है, हमने लास्ट व्लॉग भी देखे हैं इनके, हाँ तो ये मदीना में ही जाते हैं। तो इनकी इफ्तारी का व्लॉग है ये, तो देखते हैं भाई, इसको प्ले करते हैं और देखते हैं भाई वहाँ पे कितनी रौनकें हैं, क्या है। आप सभी को पता है, रमज़ान के महीने में मदीना में यस रौनकें नहीं होंगी तो कहाँ होंगी। वैसे भी होती हैं, बट रमज़ान के महीने में एक अलग ही नूर होता है वहाँ पे। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बड़े सही लगते हैं, जो धूप से बचाने के लिए ऊपर आया ना, ये बड़ा सही लगता है मेरे को। हाँ भीड़ देखना भाई, भाई साहब नीचे तो रश था जब हम लोग मस्जिद नबवी में दाखिल हुए हैं, ऊपर आए हैं तो स्टार्टिंग में रश था, अभी यहाँ पर मुसल्लियात खाली हैं। और इधर देखें माशाल्लाह जो है ना, खाली पड़ी हैं जगह, और ये बच्चे माशाल्लाह इधर आए हुए हैं, रौनक लगाई हुई है बच्चों ने। अब बस तरावी का टाइम होने वाला है, तरावी स्टार्ट होगी तो फिर तरावी के बाद फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अब वैसे भी 13 रकातें होती हैं तरावी की, 10 रकातें तरावी और 3 वितर पढ़ाते हैं। ये है जनाबे आला खूबसूरत माहौल मस्जिद नबी का तरावी के बाद। देखें इस तरफ लोग जमजम पी रहे हैं और ये माशाल्लाह सब लोग रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि तरावी पड़ी है इन्होंने। देखें जनाब मस्जिद नबी की छत अभी खुली है और ये इधर ऊपर आ गई है, मतलब ऊपर वाली छत। ये हमने फर्स्ट टाइम देखी है, ये फर्स्ट टाइम। हमने एक वीडियो भी बनाई थी पिछले चैनल पे कि 10 ऐसी चीजें हैं ना मस्जिद नबी के बारे में, वीडियो देखी थी, बट ये तो उसमें भी नहीं बताया नहीं गया था बताया उसमें ये। छत खुलती भी है छत बंद भी होती है अच्छा भाई। छत पे लोग इफ्तारी कर रहे हैं, अगर बारिश बुरी होती है तो उसके हाँ, तो बचाव इसके के लिए बचाव ना। भी वाह होते हैं। तो है नाइस। वो बंद हो गई है और जो अंदर वाला हिस्सा है मस्जिद नबी का उसको हवा लग रही होगी अभी। ये अभी तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो है ना, इसने वापस बंद हो जाना है। यार ये बड़ी वाला अमेजिंग चीज है मंजर ना, छत पे मैंने पहली बार देखा है, नीचे से देखा हुआ है मस्जिद नबी में। वैसे माशाल्लाह छत में कितनी मर्तबा है। मैं वैसे छत में मैक्सिमम 5वीं बार आया हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप आते नहीं हो ना, आओगे तो इंशाल्लाह ये देखने को। और आप कितनी बार आए हैं माशाल्लाह? सेकंड टाइम। जो मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा था कि कल 100 इफ्तार के साथ हम लोगों ने इंशाल्लाह 100 गिफ्ट भी बांटने हैं, तो वो 100 गिफ्ट हम लोगों ने इस खूबसूरत बिल्डिंग से लेना है। देखें ये नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में, और ये एक म्यूजियम बन रहा है, अल सैफिया म्यूजियम एंड पार्क। ये बिल्कुल मस्जिद नबी के पास ही है। मस्जिद बिलाल के लिए अगर आपने जाना है तो यही रोड के साथ सामने सीधा ही जाएंगे, और इस तरफ अगर आप देखें तो मस्जिद नबी का 300 नंबर गेट है, 301-2-3, और ये बिल्कुल करीबी है। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद नबी के सहन से निकले हैं तो 1-2 बिल्डिंग्स छोड़ के तीसरी बिल्डिंग ये म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में कल ओपनिंग हुई है अहमद परफ्यूम की न्यू आउटलेट की, तो उसमें से जाके हम लोग वो जो छोटे बॉक्सेस होते हैं गिफ्ट वाले वो 100 इंशाल्लाह लेने हैं हमने। ये खास तौर पे बिल्डिंग देखें ना, इसकी एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर देखें ये डिजाइन बहुत जबरदस्त बना हुआ है, ये पक्का है, मट्टी नहीं है, लेकिन ये डिजाइन है बहुत। उधर अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, इधर भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और ये आई थिंक ज्वेलरी शॉप है। और इस तरफ देखें ये स्क्रीन लगी हुई है, और यहाँ पे क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रही।
ये थोड़ा सा नीचे पानी खड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, गहरा महसूस होता है लेकिन है नहीं गहरा। और ये स्क्रीन जो है ना इस तरीके से सामने जा रही है, और इधर देखें ना कैसी खूबसूरती है। ये नीचे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन है, उसमें देखें गैलेक्सी चल रही है और फिशेस वगैरह चल रही हैं। ऊपर देखें, ऊपर बाग बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये पार्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे देखें अरबिक कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत हुई हुई है, किस्सत अल-खुलूक नशा अल-कौन अल-अज़ीम खलक़ अस्समावात वल-अर्ध, और ऊपर अम्बिया के नाम भी लिखे हुए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम। तो ये देखें ना खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ी देर पहले जब हम लोग पार्क करने के लिए आ रहे थे तो यहाँ से यूँ आ रहे थे, मगर आप देखें कि अब पैदल चलने वाले लोगों के लिए माशाल्लाह कैसी सहूलत है कि इस टाइम पे लोगों ने नमाज़ पढ़ के निकलना है, रश होना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए एक साइड की ट्रैफिक बंद कर दी है 100%, ताकि यहाँ से गाड़ियाँ ना जाएँ और लोग सहूलत के साथ चल के अपने जय मकसूद तक पहुँच गए। अब्दुलरहीम भाई जो है थक गए हैं तरावी पढ़ के, अब आ गए हैं यहाँ पर दूध पीने। देखें इधर शहद है, इधर ताज़ा दही है, ये देखें ये चूरी यहाँ पर है बनी हुई, और इधर वो जड़ी बूटियाँ भी हैं। हैं भैया, इस टाइम पे हम लोग किसी सऊदी अरेबिया के गांव में नहीं बल्कि शहर में बैठे हैं, मदीना शहर में। सीधी बात है, इतनी भूख लगी हुई है, इंतजार नहीं करें, हमने कहा कुछ खा लें बाद में अपना खाएंगे। यार वैसे आपस की बात है, ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है आपके लिए मे बी लेकिन ये देखें ना मस्जिद नबी से अभी हम लोग पैदल चल के आए हैं, अगर आप शुरू से व्लॉग देख रहे हैं तो ये यहाँ पर बैठ के आप ताज़ा दूध असली पी सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ दूध नहीं है, देखें ये दो डोल जो हैं ये दूध के हैं, इनमें आधा आधा किलो दूध है, और ये है मलाई ओरिजिनल असली मलाई, और इस तरफ है जनाब शहद। सेहत बनाओ, क्या बात है, शहद है। और ये देखें ये ब्राउन ब्रेड है, और ये भी है साथ में, आप ये भी खा सकते हैं। तो इसको कैसे खाना है मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना ये शहद आपने खोलना है, इस डोल के अंदर ना ये शहद डालना है आपने, देखें क्या बात है, शहद ये देखें, ये शहद जाता रहेगा। आपने एक हाथ से इस डब्बी को यूं पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ से इस रोटी को ना छोटा छोटा तोड़ना शुरू कर देना है, ये यूँ छोटा तोड़ा ये फेंका। इतना सब कुछ फेंकने के बाद पूरी रोटी तो आपने फेंकनी है, उसके बाद आपने जो है ना, अगर आपके साथ आपका दोस्त हो और उसने मलाई ली हो साथ में तो सोने पे सुहा गए, ये मलाई उठाओ, ये देखो मजा आ रहा है भैया ना, पूरा दिन ये मलाई डालेंगे। ओए 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 जालिमा, अब जलेबी हो जाए ना, जलेबी लाहौर जाना पड़ेगा। आहा, आपके लिए बचानी है मलाई, बचानी है आपके लिए मलाई, ये जो आप मेरे लिए बना रहे हैं ना ये आपके लिए ज्यादा बचाई है मैंने थोड़ी दी, लेकिन ये शहद की तार अभी तक नहीं टूटी। इसको तोड़ने के लिए भी है हमारे पास तरीका, इसके अंदर यूँ रोटी घुमाएं, देखें ज़रा भी एक कतरा भी किसी भी चीज़ का ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये रोटी जो है ना शहद की डब्बी में पूरी घुमा के ना अंदर से साफ करके, क्या क्या बात है, ये है ज़बरदस्त अरबों का देसी नाश्ता। ये अभी नाश्ता कर रहे हैं, खाना थोड़ी देर बाद खाना है हम, ये देखें भाई। अच्छा नहीं, आप ज़्यादा काम ख़राब कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा तरीके से किया था। ये देखें ये मलाई देखें, ये मलाई देखें कैसे आ रही है साथ में, ओए होए होए होए, साथ में आपकी ब्राउन ब्रेड है, फुल हेल्दी मील। मज़ा आ गया उस्ताद। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं शेफ्स मार्केट, जो कि सूख तबाख है यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम लोगों ने इंशाल्लाह अब सबसे पहले 100 इफ्तार बांटनी है, और उसके बाद फिर अपनी इफ्तार लेके मस्जिद नबी में जाना है और वहाँ पर जाकर अपना रोज़े इफ्तार करना है इंशाल्लाह। ले जनाब आला बिरयानी यहाँ पे तैयार है, पैक रहे हैं, क्या बात है, नाइस थिंग्स जनाब। इस तरफ पकौड़े जनाब आला तैयार होने वाले हैं। लें जी, अभी असर की नमाज पढ़ के आ गए हैं हम लोग माशाल्लाह तबारकल्ला। ये देखें जनाब पैकिंग चल रही है, इधर ये आई बिरयानी यहाँ पर, ये चम्मच आ गया इसमें, और ये आ गया रायता, यहाँ पे आ गया समोसा, क्या बात है, अपना पाकिस्तानी समोसा और अपने पाकिस्तानी पकौड़े, वाह भाई वाह, देसी इफ्तार है जनाब। ये देखें जनाब यहाँ पर ये सब तैयार है, ये पूरे तैयार हुई पड़ी है इफ्तार, इसमें इफ्तार है, ये सारी इफ्तार है, और इधर ये पड़ी हुई है। तो
जनाब आला, अब हम लोगों ने 100 बांटनी है, लेकिन जितनी तैयार हो गई हैं ये लेके जाते हैं, ये बांटते हैं जब तक और तैयार हो जाए। माहे रमजान आया है, बरकतों का ये महीना रोना के ही लाया है। माहे रमजान आया है, माहे रमजान आया है, बरकतों का ये महीना रोना के ही लाया है। चलें जी, आधे पार्सल हमारे बांट दिए हैं, बाकी आधे हैं वो वहीं पर ही रेस्टोरेंट के पास ही बांटेंगे। और अगर आप में से कोई यहाँ पर बांटना चाहता है यही सिस्टम, तो ये हमारे रेस्टोरेंट का नंबर है, आप कॉल करके अपना इस तरह के पार्सल बनवा सकते हैं, बंटवाना चाहते हैं तो बंटवा भी सकते हैं। ये बकाया मटेरियल जनाब हमारी दुकान के पास ही, इधर रेस्टोरेंट के पास और अभी हम लोग अपने लिए समोसे पकौड़े लेते हैं, जो हमने बांटे हैं वही वाले हम लगाएंगे इंशाल्लाह। समोसे अपने भी पैक हो गए साथ में, समोसे भी तैनात है कुछ हाल वाले की है, तो कारो दो भाई ले दादा वाले एक किलो पकोड़े लें। सर आ गए हमारे समोसे, पहली आइटम आज की इफ्तार की, ये देखें ये देखें भाई, ये अरबी समोसे अभी ले रहे हैं हम लोग, पहले पाकिस्तानी समोसे इधर ले लिए, ये अरबी समोसे ले रहे हैं और यहाँ से हम लोगों ने मदीना की रोटी लेनी है, फेमस मदीना की रोटी, क्या नाम है उसका? शरेक। क्यों नहीं मिलेगी यार, मिल जाएगी। रश भाई माहौल पहले दिन ही आज बनना शुरू हो गया है माशाल्लाह। ये रश देखें यार, इधर रश तो आखिरी किस्म का है। अब्दुल भाई रोटी लेते हैं ना यार, हैं देखें जी सूबिया, वाह सूबिया, ये जनाब सूबिया लाला अहमद, ये जनाब आला सूबिया आने वाली है, देखें ड्रम से निकाली है माशाल्लाह माशाल्लाह यार, एक काफी है, ये दो लें देख ले, करके दे खुद करके दे यार, बिस्मिल्लाह। देखें भाई रौनक मदीना की रौनक आ गई जनाब आला, अभी एक स्पेशल रोटी हम बनवाने जा रहे हैं, अंकल बनाएंगे, क्या ख्याल है अम्मा, क्या ले आया, रोटी आ गई यार स्पेशल, एक और रोटी बनवा रहा हूँ मैं माशाल्लाह, अब खा ना लेना, क्या बात है, मदीना वाली रोटी है, उधर एक और रोटी बन रही है शहद वाली, शहद ऊपर शहद अंदर चीज डाली हुई होगी, आ मलाई भी पता नहीं, ये देखें ये चीज लग गई अंदर, ये उन्होंने घुमा दिया उसको, और ये अभी जनाबी आला देखें, ये इन्होंने क्यों चकोर बना के ना फिर इसको अंदर इधर तंदूर में लगाएंगे, इसको बोले थोड़ा मीठा ज्यादा डालेंगे, शहद ज्यादा डालेंगे, मैं मीठा ज्यादा पसंद करता हूँ, अगर शहद में हो ठीक है। ये देखें जनाबी आला, इन्होंने अंदर डाला केला और ये पराठा डाला, बिस्मिल्लाह ये मासूब बनने लगे, इसको अरब कहते हैं मासूब, ये देखें ये पराठा आया साथ में केला आया, और ये एक ट्रेडिशनल अरबिक डिश है, ये मिक्स कर रहे हैं, वाह वाह वाह, ये आया इसके ऊपर मलाई क्रीम, और ये पार्सल में अभी डालने लगे हैं, मासूब बन गया, ये चीज आने लगी है इसमें, ये लें सर चीज आ गई इसके अंदर, वाह वाह वाह, ये चीज डाल दी इन्होंने दस्ती उधर से रगड़ के, और ये कॉर्नफ्लेक्स आ गया इसके ऊपर, वाह, और ये आ गया काजू, क्या बात है माशाल्लाह, बिल्लाह जाओ इधर काजू हबीबी, ये भाई को मैंने कहा काजू दे दो, ये आया काजू, वाह क्या बात, नेक्स्ट लेवल, ये आ गया हनी, ओ हो शहद ऊपर डाल दिया, क्या बात है यार माशाल्लाह माशाल्लाह हबीबी शुक्रन भाई, ये इस तरह का रोजे के साथ मनाजिर देखने थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैंने थोड़ी देर तक खाने, आप लोगों के लिए ज्यादा मसला है। अब्दुल भाई यार ये देखो इसके अंदर काजू चीज ये वो हर चीज डाली हुई है, वो सब ठीक है, टाइम क्या रहता? टाइम रहता है यार अभी तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा रहता है। ओ समोसा माशाल्लाह, ये दादा इतने बड़े तंदूर में हाथ से लगाते हैं रोटी यार, कमाल है, इतना बड़ा बना रहे हैं भाई, ले जनाब आ गई हमारी रॉयल रोटी, हमारी हमारी है, अब जनाब आला इसको ट्रीट किया जाएगा, इसके ऊपर चीजें लगाएंगे भाई, हम लोगों ने मासूब मलक ही लिया है, और रोटी जो ली है इसको मलूक मलूक क्या हाँ? क्या कहते हैं रोटी को, मलकी तो है, रॉयल मतलब रॉयल चीजें ली है, ये आया शहद, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें शहद कैसे जबरदस्त रोटी के ऊपर लगा, भाई मुझे भूख लगी है, उसने घंटा लगा दिया यार, आ जाओ आराम से सर जी, अभी भी आधा घंटा रहता है,
हाँ हाँ ये देखें क्या माहौल बना हुआ है, क्या बात है सर जी। एक हमारा फूल स्पेशल अपनी तरह मोहब्बत से बना दें, जबरदस्त आपकी तरह मोहब्बत से। हाँ ये लें, ये जनाब हमारा पार्सल बनने वाला है। ये क्या क्या चीजें बनती है ना, कितना कुछ है भाई खाने दुनिया ना। ये हमारा स्पेशल फूल बन गया, क्या बात। वाह ये आया इसके ऊपर देसी घी, वाह भाई वाह क्या बात है। ये उस्ताद ने मोहब्बत से बना दिया हमारे लिए, क्या बात है। वाह वाह जाने देगा, क्यों नहीं जाने देगा उस्ताद, आपने मोहब्बत से बना के दिए तो वो जाने देगा। ये लो चाचा ले लो यार। चलें जी हमारी इफ्तार ले ली और जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। सब भाई आ गए हैं और मेरे बड़े भाई भी आ गए हैं। और वहाँ जाते जाते हमारा ये एक छोटा सा कल का काम रह गया था, कुछ गिफ्ट बचे हुए हैं अहमद परफ्यूम के, ये रास्ते में ही बांट देंगे उधर ही।